आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज के दिन सभी को बोलूंगा ना बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और सभी को मेरा प्रणाम है। और आज के दिन ना आपको इस कोर्स के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, इस बात को समझना और अपने अंदर तक ना इस बात को लीजिएगा। बहुत गहराई से ये बात कहा गया है, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी जब तुम्हें जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। जिंदगी में सुख और दुख ये तो दो ही तो पहलू है भाई जिंदगी का, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन जब गम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो इंसान को सबसे ज्यादा ना पता है तकलीफ कब देता है, जब इंसान बोलता है काश हम उस समय सही से पढ़ लिए होते। ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो भगवान के साथ आज ना मां से हम यही मांग रहे ना कि आप सभी के जिंदगी में कभी ऐसा दिन ना आए ना जब आपको पढ़ाई की बहुत कमी फील हो, कभी जिंदगी में वो दिन ना आए। तो इसलिए ना जो टाइम मिला है ना, दिन गुजर रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि जीवन में ना पढ़ाई का कमी आपको कभी महसूस ना हो। और एप्लीकेशन के ऊपर जाकर 99 में आप ये ले सकते हैं सारा स्टैटिक जीके, जीके का 1500 बेहतरीन क्वेश्चन, इसके अंदर 200 क्वेश्चन और ऐड करने वाले, 200 नहीं 400 क्वेश्चन, यानी टोटल 1900 क्वेश्चन हो जाएगा 3 बजे वाला क्लास मिलाकर। ठीक है, इसमें 1000 जीएस भी मिल जाएगा, स्टैटिक जीके में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आज के दिन ना कि आप सभी लोग ना एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले बाबू आप लोग ये टॉपिक प्लीज हाथ जोड़ रहे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, यही बनता है बाबू स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, ये नहीं कि एग्जाम से निकलने के बाद पता हो भैया हमको मालूम था ना इससे क्वेश्चन आएगा, हमको मालूम था लेकिन हम पढ़े नहीं, तो वो भी दिन आना नहीं चाहिए आपके लाइफ में। और आज कवर करेंगे हम सभी आप सभी का 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली क्लास सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है और मैं डेली प्रयास क्या करता हूं कि 10 से 12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको पूरा करंट अफेयर कवर करवा दूं, ताकि आपको पता हो जो सुबह करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ना भैया वो 10 मिनट का चीज हमको पूरा याद है बिना क्वेश्चन छोड़े। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी के संस्थापक गौरव गुप्ता ने अपने पद को छोड़ दिया, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा ना आज के डेट में, कंपनी जोमेटो जिससे आप लोग खाना मारते हैं ऑनलाइन बुकिंग, इस कंपनी के जो फाउंडर थे ना गौरव गुप्ता वो अब उस पद से हट गए, माने उस पद को छोड़ दिए। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से गौरव गुप्ता जो है वो किस कंपनी के संस्थापक थे तो आप बोलना जोमेटो के, याद है। अच्छा, जोमेटो का गठन ना जुलाई 2008 में हुआ था और वर्तमान में इसका सीईओ कौन है, दीपेंद्र गोयल, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और कुछ नहीं पूछिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन बोल रहा है ना रेबेका ग्रिस्पेन ये पहली महिला बन चुकी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, कौन सा संगठन का, तो UNCTAD। और काफी बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ना कि UNCTAD में सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब एक बात याद रखिएगा, इस संगठन का गठन कब हुआ था, 30 दिसंबर 1964 को, और इसका मुख्यालय ना जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, और आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कल तो आप सभी को बोले थे कि क्लास अच्छा लगता है तो 1500 लाइक कर दीजिएगा, यार आप बहुत प्यार दिए, कल के वीडियो पर ना 1700 लाइक है, मतलब देखकर अच्छा लगा कि आप सभी का प्यार भी, क्लास में अगर मेहनत कर रहे हैं कंटेंट सही पहुंचा रहे हैं ना तो आप सभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज का लाइक ना ज्यादा नहीं, आज 1600 लाइक का टारगेट रखते हैं, वो उम्मीद करते हैं ये भी लाइक ना आप सभी पूरा कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी अमेरिका ने ना अफगानिस्तान को कितनी राशि सहायता प्रदान करने का वादा किया है। अब इतना कष्ट
अफगानिस्तान में है और साथ कौन छोड़ा, अमेरिका, अपना अलग अलग मसला होगा। लेकिन ना अभी अमेरिका बोला है ना अफगानिस्तान को $64 मिलियन का सहायता किया जाएगा। किसने बोला है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का मुद्रा और राजधानी आप सभी को याद करवाएं, काबुल और अफगानी यहां पर मुद्रा है। यहां के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा क्योंकि अशरफ घानी के जाने के बाद उनका नाम भूल जाइए। अब ये नया नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री कौन है, हसन अखुंड, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम ऐसा क्वेश्चन जो ना 100% आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, किताब का नाम क्या है, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब देखो एक बार इसका ट्रांसलेट ना हिंदी में ले लिया है, आपको पता है पुस्तक का नाम ना हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसा होता है, तो किताब का नाम क्या है, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस किताब को ना किसके द्वारा लिखा गया है, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा भी, यही वो किताब है। एकदम क्वेश्चन याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, हाल ही में भारत का पहला, इंडिया का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जहाज का नाम क्या है, एक ऐसा जहाज ना जो जितना भी परमाणु हमला होगा, जो भी मिसाइल हमला होगा ना, उस सबके ऊपर नजर रखेगा। इस जहाज का नाम क्या है, INS ध्रुव, एकदम याद रखिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो बार बार मैं बताता हूं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम क्या है, तो यह भी मैं बार बार बताता हूं, मेरे पीछे एक बार दोहराइए, करमबीर सिंह है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है, यह धाम कहां पर स्थित है, तो यह धाम का उद्घाटन ना अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। अब यह क्वेश्चन तो आपने सुन लिया कि सरदार धाम का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है और कहां पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में। अब एक बात ना मेरा सुन लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा ना, इस जब इसका उद्घाटन कर रहे थे ना इस सरदार धाम का, तो मोदी जी एक बात बोले थे इस भाषण में, वो बोले थे ना कि विश्व धर्म सभा, अच्छा एग्जाम में पूछेगा विश्व धर्म सभा कब आयोजित किया गया था, अमेरिका के शिकागो में, तो 1893 में। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला ना, स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था विश्व धर्म सभा में, कब, 1893 में, कहां पर, तो अमेरिका के शिकागो में, एकदम याद रखना, ठीक है, क्योंकि उस बात का जिक्र इस उद्घाटन समारोह में किया गया है। एग्जाम में पूछेगा आप सभी से कि विश्व धर्म सभा में भाषण किसने दिया था अमेरिका के शिकागो में, तो आप मत बोलना भैया हम तो ये सुने ही नहीं है, विवेकानंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय का सम्मेलन शुरू किया गया है, कहां पर, जितने भी उत्तर पूर्व में राज्य है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का आयोजन ना आपका गुवाहाटी में किया गया है। क्वेश्चन क्लियर ना, अब मेरा बात सुनना आपकी, अच्छा एक बात बताइए, जो ये पर्यटन, जो ये संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति जो मंत्रालय है, कल्चरल मंत्रालय, कल रात को, कल दोपहर में 3 बजे वाले क्लास में मैंने आपको कराया था, संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, किस मंत्री के पास है, तो आप बोलिएगा जी किशन रेड्डी के पास। भैया कल ही के क्लास में ना हम ये सब याद कर लिए, आप पूरा लिस्ट दे दिए, अगर एग्जाम में बोले आप सभी से जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है जी किशन रेड्डी, ये इनका चुनावी क्षेत्र क्या था 2019 में, लोकसभा का चुनाव ये कहां से जीते थे, तो आप बोलिएगा भैया 3 बजे वाले क्लास मैंने सब क्लियर करवा दिए, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहां पर, तेलंगाना से,
ठीक है, सिकंदरा तेलंगाना का सिकंदराबाद से ये चुनाव जीते थे लोकसभा का 2019 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रेड सी यानी कि लाल सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, किसके साथ, किस नौ, किस देश की नौसेना के साथ। तो जो भारतीय नौसेना है ना, कहां पर, लाल सागर में, लाल सागर में सुडानिस नेवी यानी सुडान का जो नौसेना है ना उसके साथ अभ्यास किया गया है। अब एक बात, सुडान का राजधानी क्या है, खोटूम, मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, सुडानिस पाउंड, और यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो अब्दुल्ला हमदोक। आप ये मेरे पीछे पीछे दोहराइए तब भी याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला, याहू, आपको पता है ना आज से 10-11 साल पहले याहू का बहुत बोलचाल था इंटरनेट के मामले में। आज के डेट में सभी लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं ईमेल आईडी के लिए। आज से 7-8 साल पहले, 10-11 साल पहले ना, लोग याहू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो याहू का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो एकदम याद रखना जिम लैंजोन को, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछ दे याहू का गठन कब किया गया था, तो जनवरी 1994 में, और याहू का फाउंडर कौन है, संस्थापक, तो जेरी एंग और डेविड फिल्लो, और इसका मुख्यालय ना कैलिफोर्निया में जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एजी हंकापन, ऑप्शन नंबर हमारा बी, और इससे कुछ बाहर नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, झारखंड, झारखंड राज्य को ना एशियाई विकास बैंक के द्वारा पानी का सप्लाई के लिए, यानी पानी का जो सप्लाई है ना वो अच्छा हो पाए झारखंड में ना, इसके लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा $112 मिलियन का ऋण दिया गया है। किसको दिया गया है, झारखंड राज्य सरकार को, किस चीज के लिए, पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए, किसके द्वारा दिया गया, एशियाई बैंक के द्वारा दिया गया है। एशियाई बैंक का प्रमुख कौन है, मासा टी सुगु आसाकावा, और इसका मुख्यालय मंडल इन फिलीपींस में है। गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ है, और इसके अंतर्गत ना 68 क्या है, सदस्य है। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास अच्छा होगा, लाइक कर दीजिएगा, और एक बात, चैनल पर जो भी नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी ना और अच्छा होता रहे। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को थैंक यू, अपना ख्याल रखना, और साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, और साथ साथ अपने देश का भी, ठीक है।